ऑनलाइन क्लास और नेक्स्ट टॉपिक इज माइकार्डियल इन्फेक्शन माकार्डियल इन्फेक्शन क्या क्या है डेफिनेशन देखते हैं असस्टेन इस्चीमिया लीड्स टू इर रिवर्सिबल माकार्डियल सेल डेथ जो माकार्डियल सेल्स हैं उनकी डेथ हो रही है कैसी इ रिवर्सिबल है यानी कि दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती किसकी वजह से सस्टेन्ड इस्चीमिया कंटिन्यू सेल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है जिसकी वजह से सेल्स क्या हो रही हैं डेथ हो रही हैं और कौन सी कंडीशन में डेथ हो रही है दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ठीक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली मेन चीज़ है चेस्ट पेन चेस्ट पेन कैसा होगा सिवियर होगा एक्यूट होगा और सब स्टर्नल चेस्ट पेन होगा यानी कि पेशेंट को स्टर्नम के जस्ट बिलो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा और ये पेन कहाँ तक रेडिएट होगा जॉ नेक शोल्डर आर्म्स एंड बैक ठीक है क्यों क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स हैं नर्व सप्लाई है हार्ट की और जॉ नेक शोल्डर आर्म बैक की वो सेम है इसलिए पेशेंट को पेन फील होगा यहाँ भी पेन कभी भी ब्रीदिंग से अफेक्टेड नहीं होगा इसका और पेन कितना होगा थर्टी मिनट से ज़्यादा होगा ठीक है और ख़ास बात है कि नाइट्रोग से कभी भी रिलीव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेल डेथ ही हो रही है यहाँ पे कोई सिर्फ पेन नहीं है नेक्स्ट अगर बात करें अदर एंड सिम्टम्स की तो नॉजिया वॉमिटिंग पैल्पिटेशन टकी डिस्निया डिसनिया इंडाइजेशन कूल एंड पेल एक्सटमिटीज़ होंगी पेशेंट को कूल एंड पेल एक्सट्रीमिटीज इसलिए होंगी क्योंकि जो पेरिफेरल वेसल्स हैं हमारी लेग्स की हैंड्स की वो क्या हो रही हैं कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है क्योंकि हार्ट सफिशियंट फंक्शन नहीं कर रहा है इस वजह से क्या होगा कूल cool और पेल एक्सट्रीमिटीज दिखेंगी फीवर होगा पेशेंट को क्योंकि नेक्रोटिक टिश्यू है टिश्यू की डैमेज हो रही है इन्फ्लामेशन हो रही है तो ट्वेंटी फोर आवर्स एम आई होने के बाद पेशेंट को क्या होगा फीवर होगा ठीक है बात करें अगर इटियोलॉजी की तो इटियोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जैसे हाइपर टेंशन टोबैको स्मोकिंग ड्रग एब्यूज़ ओबैसिटी स्ट्रेस एल्कोहल यूज़ एज जेंडर, स्पेशली मेल डायबिटीज पेशेंट्स एंड किडनी डिजीजेस मोस्टली माँ इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें अदर सेकेंडरी डिजीजेस होती हैं जैसे डायबिटीज़ मलाइटस हो गया किडनी डिजीजेस हो गई ठीक है किसी भी तरह का स्ट्रेस कंटिन्यू ले रहे हैं ओबेसिटी हो चुकी है ड्रग एब्यूज कर रहे हैं ऐसे लोगों को माइकार्डियल इन्फक्शन होता है ठीक है डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट जैसे ही आता है आपको आपको ट्वेल्व लीड डी परफॉर्म करनी है ठीक है विद इन टेन मिनट्स ये क्लासिकल चीज़ है याद रखना है आपको उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन जो करना है करिए लेकिन सबसे पहले इसी चीज़ करिए जिससे कि आपको पता चल जाए हार्ट में टकी एरेदमियाज़ हो रहा है ब्रेडी एरेदमियाज़ हो रहा है क्या पेशेंट को हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो रही हैं वो सब चीज़ें पता चल जाने से पेशेंट को हम ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं कार्डिक एंजाइम्स चेक कर सकते हैं जो कि कैसे मिलेंगे एलिवेटेड मिलेंगे कार्डिक एंजाइम्स चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं हार्ट की कंडीशन देखने के लिए के एफ टी आर एफ टी कर सकते हैं अदर वाइटल ऑर्गन जैसे किडनी उसके फंक्शंस को पता लगाने के लिए इको स्पेशली माकार्डियल लेयर्स के कंडीशन को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं थैलियम स्कैन कर सकते हैं एनजियोग्राफी डायरेक्ट विजुलाइजेशन करेंगे स्ट्रेस टेस्ट करेंगे पेशेंट का ठीक है और सी करेंगे तो डब्ल्यू क्या मिलेगी इनक्रीज मिलेगी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अगर तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस में सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डिसरेदमियाज उसके बाद है कार्डियोजेनिक शॉक डिसरेदमियाज इसलिए हो रहा है पेशेंट को क्योंकि पेशेंट का हर्ट अभी क्या कर रहा है सफिशियंट करोडरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है जिसकी वजह से हर्ट प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो उसके कंटस्टेंट रिलैक्सेशन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी और ये कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट को एबनॉर्मल रिदम में फंक्शन करेगा ठीक है शॉक की कंडीशन हो सकती है बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने से हार्ट फेलियर हो सकता है किडनी को ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से रिनल फेलियर हो सकता है इन्फेक्शन अगर हो गया तो मायोकार्डाइटिस पैरोडाइटिस ठीक है इन्फ्लामेशन ऑलरेडी हो ही रही है तो इन्फ्लामेशन की वजह से माओकार्डियन लेयर की इन्फ्लामेशन हो सकती है पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन हो सकती है एक होता है ड्रेसलर सिंड्रोम ये क्लासिकल याद रखना है आपको जब पेरिकार्डाइटिस पेरिकार्डियल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन तीनों चीज़ें एक साथ हो थ्री पीज तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम पेरिकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी पेरिकार्डियम लेयर के बीच में फ्लूड एक्यूमलेट हो जाना और प्लूरल इफ्यूजन प्लूरल कैविटी के बीच में फ्लूड का एक्यूमुलेशन होना तो ये तीनों कंडीशन जब एक साथ होंगी तो इसे क्या बोलेंगे ड्रेसलर्स सिंड्रोम ठीक है और ये ड्रेसलेस सिंड्रोम ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी हो सकता है कम से कम चार से छः हफ्तों के बीच में और अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें लास्टली तो कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को ठीक है अब बात करते हैं मैनेजमेंट की तो सबसे पहले मैनेजमेंट को कैटेगराइज किया है दो ग्रुप में एक्यूट मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट एक्यूट मैनेजमेंट में यानी कि जब पेशेंट जब भी आपके पास आया तुरंत पेशेंट को रेस्ट देना है क्योंकि अभी क्या हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट की कम हो रही है क्यों क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई कम हो रही है तो ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है अगर आप पेशेंट कुछ करता रहेगा तो उससे ऑक्सीजन डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी इसलिए हम पेशेंट को क्या करेंगे रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को सेमी फाउलस पोजिशन देनी है क्योंकि जिससे कि चेस्ट का फुली एक्सपेंशन रहे पेशेंट को ज़्यादा कंजेशन फील ना हो ना तो डिसनिया हो पेशेंट को ना ही उसे पैल्पिटेशन फील करे ओ टू एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को टू टू फोर लीटर के रेट पे पर मिनट ऑप्टेन करनी ट्वेल्व ए डी सी जी मैंने पहले ही आपको बता दिया था कार्डिक मॉनिटर पे, पे पेशेंट को लगा दो जिससे कि कार्डिक पेशेंट का रेगुलर मॉनिटरिंग चलता रहे कि उससे डिसरदमियाज तो नहीं हो रहे हैं इस्टेब्लिश करना है आई वी कैनोला अभी हमें पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेगी पेशेंट को तो आई वी कैनोला लगा देना है और आई वी कैनोला लगाने के साथ साथ ब्लड सैंपल अभी हमें सेलेक्ट कर लेना है जिससे कि हम कार्डिक एंजाइम्स की कंडीशन भी पता लगा सकते हैं ठीक है क्लासिकल बात यह है कि एडमिनिस्टर कर देना है पेशेंट को मोफीन सल्फेट आईवी जिससे कि पेशेंट को रिलीव पेन हो जाएगा एक तरह का एनालिस्सिक है तो आपको पता होगा ठीक है फिर वाइटल साइंस चेक करो पेशेंट का अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन हंड्रेड एम ऑफ एच आता है तो आपको पेशेंट के हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है क्योंकि इतना कम ब्लड प्रेशर आने की वजह से क्या हो जाएगा रिस्क फॉर शॉक है इसलिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना जरूरी है ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें अदर चीज़ों की तो पेशेंट को नाइट्रोग्रिस्ट्रीन दे देना है जिससे कि स्च्चीमिया रिलीव हो जाए हालांकि कंप्लीटली पेन रिलीव नहीं होगा कुछ और चीज़ रिलीव नहीं होगी लेकिन जो स्च्चीमिया है वो सप्लाई कम हो रही है ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं मिल रहा है वो चीज़ रिलीव हो जाएगी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देने हैं जिससे कि जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है और जिस ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन जो बन रही है ब्रेक डाउन हो जाएगा तो एस्पिरिन दे देना पेशेंट को शॉर्ट में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक चीज़ याद रखना मोना यानी कि एम फॉर मोफिन ओ फॉर ओ टू एम फॉर नाइट्रोग्लिसरीन और ए फॉर एस्पिरिन ये मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं आप ठीक है मेडिकल मैनेजमेंट में क्लासिकल है आपका मोफिन सल्फेट जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर माइकारल इन्फेक्शन पेन के लिए जिसकी डोज जाती है चार से आठ एम जी आई वी ठीक है और उसकी तुरंत पाँच मिनट बाद दो एम जी और देंगे पेशेंट को जिससे कि पेशेंट को पेन रिलीफ हो जाए कैसे रिलीव करता है पेन ब्लॉक करता है पेन रिसेप्टर्स को ठीक है जो भी पेन रिसेप्टर्स हमको ब्लॉक कर देगा तो ऑबियसली बात है पेन नहीं होगा पेशेंट को दूसरा वैसोडाइलेशन कर देगा वैसोडाइलेशन करने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है जिसकी वजह से हट पर वर्कलोड बढ़ रहा है वो वैसो की वजह से रिड्यूस हो जाएगा अगर हम मॉर्फिन को लो डोज में देते हैं तो वेन का डायलेशन कराता है हाई डोज में देते हैं तो आर्टरी का डायलेशन कराता है तो जब भी हम ऐसी कंडीशन में दे रहे होते हैं तो हमें देखना है हमें किसका डायलेशन कराना है तो उसी हिसाब से ड्रग की डोज प्रिपेयर होगी ठीक है साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें मॉफि सरफेट की तो रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो जाता है तो इस वजह से जब भी मोफी सल्फेट दिया हो पेशेंट को तो उस टाइम पे रेगुलर रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करते रहना है पेशेंट का जिससे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो नोजिया एंड वामिटिंग हो सकती है तो ड्रग को देने से पहले ही पेशेंट को एंटीएमेटिक मेडिसिन दे देनी है जिससे कि पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग ना हो कई बार ऐसी कंडीशन होती है मोफिन का ओवर हो जाता है कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका एंटीडोट हम नैलेक्न या नैलट्रगजोन या नैलीडोक्सिक एसिड के नाम से आता है ये एंटीडोट हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है दूसरी मेडिकल मैनेजमेंट है ड्रग पीटा ब्लॉकर्स ए सी इनिवेटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिवेटर्स ठीक है एंटीहापोटिव ड्रग्स हैं नाइट्रोडिसिन दे सकते हो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी पेशेंट को यूज़ कर सकते हो थ्राम्बस को तोड़ने के लिए तो स्ट्रप्टोकाइनोज ये मेडिसिन हमेशा याद रखना है स्टेप्टोकिस ड्रग ऑफ चॉइस है माइकॉडिल इन्फेक्शन की ट्रिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एटलेप्टीज ऐसे करके हम थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं और चीज़ों की तो हम पेशेंट का इमरजेंसी परकोटेनियस इंटरवेंशन कर सकते हैं यानी कि अभी क्या है पेशेंट को माइकार्डिल इन्फेक्शन है और हमें देखना है कि क्या कंडीशन है तो इंटरवेंशन करके हम परकुटेनियस प्रोसीजर करके सर्जिकल इंटरवेंशन ये फाइंड आउट कराएंगे कि कॉज़ क्या है ठीक है एंटी डिस ड्रग देनी है पेशेंट को कई बार डिसरिदमिया हो जाता है हार्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेटरी कॉन्स्ट्रिक्शंस करने लगता है कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो हमें एंटी डिसरेदमिक ड्रग भी दे देंगे स्टूल सॉफ्टनर्स देना है क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के चांसेज हैं तो स्टूल सॉफ्टनर्स दे देंगे एंटी प्लेटिलेट्स दे देंगे एस्पिरिन जिससे कि फॉर्मेशंस ना हों ठीक है सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हैं सारे नाम आपको याद रखने हैं ठीक है पी टी सी ए परकुटेनियस ट्रांसलोमिनल क्रॉनरी एनजियोग्राफी ठीक है एक तरह का इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम एक या दो से आर्टरीज को क्या कर देते हैं डायलेट कर देते हैं किसकी हेल्प से बलून की हेल्प से तो इस तरह के सर्जिकल इंटरवेंशन को हम क्या बोलते हैं परकुटेनियस ट्रांसलोमिनल क्रॉनरी एनजीओग्राफ़ी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल नेट पे देख लेना आपको पता चल जाएगा या आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे स्टेंट सर्जरी स्टेंट हम प्लेस कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी में जिससे कि जो आर्टरी है वो डायलेट हो जाती है किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई किसको मिलती है हार्ट की लेयर्स को लेजर एंडियोग्राफी हम लेज़र एंजियोग्राफी करते हैं जिसमें एक लेसर प्रोब इंसर्ट कर दिया जाता है कोरोनरी आर्टरी में जो क्या कर देता है वेपराइज कर देता है यानी कि इवेपोरेट कर देता है किसको प्लेक्यू फॉर्मेशन एथरमा को जो भी फैटी डिकम्पोजिशन बना हुआ है उसको क्या कर देगा इवैपोरेट कर देगा ठीक है और फिर उसके बाद में हमारे पास है अथरक्टोमी अथरक्टोमी एक तरह का कटिंग चैम्बर या डायसेक्टिंग चैम्बर हम इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि इनर साइड में ही वो प्लेक्यू को कट भी करेगा और रिमूव करके बाहर भी ले आएगा लास्टली हम सी कर सकते हैं क्रडरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जिसमें हम एक बाईपास बनाते हैं किसकी हल्प से आर्टरी और वेन की ग्राफ्टिंग करके ठीक है अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी यूज़ की जाती है तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड इंटरनल थोरासिक आर्टरी और वेन की बात की जाए तो सिफेनियस वेन यूज की जाती है ठीक है नेक्स्ट आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपके लिए एक असाइनमेंट है ये असाइनमेंट आपको लिखना है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मा कार्डियल ठीक है थैंक यू क्लास